नमस्कार, वी नेशन देख रहे हैं आप। और इस यूपी चुनाव ने इस कदर बिजी कर दिया है पत्रकारों को कि दाढ़ी बनवाने तक का फुर्सत नहीं है। तो दाढ़ी बनवाते बनवाते आज हम चर्चा करेंगे किस पे? चुनाव पे। ठीक है भाई, तो हम हैं अयोध्या कॉन्स्टिट्यूएंसी में और यहाँ से मौजूदा विधायक हैं अभी गुप्ता जी, क्या नाम है उनका पूरा? वेद प्रकाश गुप्ता। और उनके सामने खड़े हैं इस बार अखिलेश यादव के कैंडिडेट जो कि हैं पांडे जी, क्या नाम है उनका? नारायण पांडे, तेज नारायण पांडे। तो भैया आपका वोट किधर जा रहा है? भैया साइकिल। दाढ़ी बड़ा बढ़िया बना रहे हैं, कट मत मार दीजिएगा, ठीक है? बताइए। हमारा भैया साइकिल ही पे जाएगा। अच्छा, युवा की पुकार साइकिल जी। यार लेकिन यहाँ ये अयोध्या में साइकिल दिख नहीं रही है भाई मुझे। आप जाके पहले देखिए तो। हाँ, बहुत साइकिल उस तरफ, ये जिधर मंदिर है आपका जी, नगरी में जी, उस तरफ तो यार बाबा बाबा हो गया एकदम। बाबा बाबा हो रहा पहले। हाँ, बाबा बाबा हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी जो है। हाँ, अगर वो जीत जाएंगे ना तो बाबा का मुंह छूतर हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं जी? जी सही बता रहे हैं, मतलब निकलने के चांसेस हैं। हाँ, पूरे पूरे जी। अच्छा, और भाई साहब कोई बात करेगा? अरे दाढ़ी बनवाते बनवाते बात करना मुश्किल है। लेकिन जीजा, जीजा आप बताइए भैया, कुछ बोलेंगे? हाँ भैया आप बताइए, भाई जी आप बताइए, बताइए। उनका कट मत मार दीजिएगा लेकिन बता दीजिए। चलिए, ये अखिलेश को समर्थन है। अखिलेश को समर्थन जी। अच्छा, उन्हीं की सरकार आनी है। यहाँ पे बहुत जोर दिख रहा है भाई मेरे। भैया वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसके अलावा कुछ करते हैं नहीं। हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करते, कोई काम हुआ नहीं है। अपनी अखिलेश जी को जिताना है। बताइए क्या सीन है, कौन आ रहा है फिर यहाँ आपके अयोध्या में? अयोध्या में कौन पांडे जी विधायक हो रहे हैं? अच्छा, कम से कम 50,000 वोटों से। अरे भाई ये तो आप अलग आंकड़ा दे रहे हैं। अरे भैया हम देसी धन्ना, हम एक विराजन भी घूमी टेन। हाँ हाँ, और हम भी घूम लिए यार। तो बाबा बाबा हो रहा है इधर तो। बाबा 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 गोरखपुर जाए चला गई है, आश्रम चला गई है। हाँ, कल बाबा जी की रैली में तो था भाई बहुत जोर, भीड़ से ज्यादा पुलिस दिखा रही है। हाँ, भीड़ ज्यादा पुलिस दिखा रही है ये बात नहीं, भीड़ भी थी भाई, हमने भी देखा रही है सब भीड़ उनको। अच्छा, आज आज अखिलेश की रैली में उनसे ज्यादा भीड़ होगा? अभी युवाओं की पसंद है, बूढ़ों की पसंद है, नौजवानों की पसंद है, है किसानों का नेता है, गरीबों का मटिया है, नौकरी दे आए तो। हाँ, अभी भाई जी 5 साल कुछ कर भी नहीं की, हमें मंदिर का मंदिर बने तो भाई सबके लिए मंदिर बाए ना। तो मंदिर वाला मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है आपका? कोई मुद्दा नहीं। हाँ भाई जी, भैया इससे पहले हिंदू नहीं थे हम लोग। हाँ, इससे पहले हम पहले भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं। हाँ सही बात है। इससे पहले मुसलमान थे, मुसलमान पहले भी। हाँ, जो है मुसलमानों के परिवार में किए हैं। अच्छा, ठीक है, लव जिहाद पहले वो अपने परिवार में खत्म करें फिर दूसरे खिया हुए। अच्छा, मोहन भागवत बाबा जी राशन बांट रहे हैं, अगर मान ली मुस्लिम से विरोध है तो मुस्लिम को ना देते, हिंदू को 2 बार देते, मुस्लिम को 1 बार देते हैं। लेकिन वो तो सबको बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं? उसमें कह रहे हो कि आप हिंदू मुस्लिम है, ये गलत मुस्लिम नहीं कर रहे हैं ना बाबा जी? कह रहे हिंदू क्यों बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान कहीं अलग है? नहीं, सब एक ही है, सब तो इंसान है, हमारे भाई है, कई बाहर कुड़ी है। पहले लव जिहाद बीजेपी वाले अपने घर में खत्म करें। हाँ, फिर राम जनता तो यहाँ सब सफाई है, मतलब सब सफाई नहीं, पूरी जनता यहाँ की गवाह है। अच्छा, पूरी ब्राह्मण हो चाहे ठाकुर हो चाहे यादव हो चाहे जो। हाँ, चाहे अच्छा यादव हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे यात्री हो चाहे जो, तो मतलब पूरी जनता इस बार अखिलेश जनता में एकदम रम गई है, मर गई है। नौजवान युवा जो बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे हैं, इससे पहले भी जब अखिलेश आए थे तो पढ़े लिखे उसने शिक्षा दी, सब कुछ दिया और रोजगार दिया। जनता जागरूक हो चुकी है, एक बार गलती हो गई जनता से, दोबारा नहीं होगी, दोबारा नहीं होगी, होगी। धर्म के नाम पर एक बार ठग ली, अब दोबारा ना ठगे दे। क्या इससे पहले, क्या इससे पहले हनुमान गढ़ी पूजा नहीं होती थी? हाँ, राम पूजा नहीं होती, होती थी। हाँ, आज भी होगी। अच्छा, मतलब आप लोग खफा है बाबा जी से? मतलब बाबा जी से नहीं खफा है, बाबा जी की नीतियों से खफा है। बाबा जी के नीतियों से खफा है, बाबा जी की नीतियां तोड़ मरोड़ कर रही है। मतलब जनता बदलाव मांगती है, यूपी की जनता तो हमेशा बदलाव मांगती है, हर हर बार बदलाव हुआ है, इस बार भी बदलाव होगा। बीजेपी का इतिहास नहीं होगा? नहीं नहीं, बीजेपी 15 साल बाद आएगी, 15 साल बाद आएगी। अच्छा, जब भी गई है 15 साल बाद आएगी। चलिए
रही है, ठीक है। अखिलेश यादव 300+, नहीं भाई ये तो नहीं हो पाएगा। ये कहूंगा कि भाई दोनों की टक्कर होगी, बहुमत दोनों में से कोई नहीं लाएगा, लेकिन 300+ ज्यादा बोल दिया। आप देख रहे हैं 300+ है, 300+ है। चलिए आप भी यहीं, हम भी यहीं, मिलेंगे फिर से, ठीक है। बात करने से फ्री बांटने से कुछ होता नहीं है। अखिलेश भी तो बोल रहे हैं 300 यूनिट फ्री जी, उनको रोजगार चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। देंगे 300 यूनिट फ्री, दे पाएंगे 300 पांच साल तक? हाँ दे देंगे, दे देंगे। जो उसने कहा है किया है, उसने गरीबों के लिए एम्बुलेंस दे दिया, नंबर नहीं खा पाता है, हम लोग शहर में हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगा भी दिया क्या? मुजफ्फरनगर दंगा, देखिए दंगा जो है उन्होंने, उनकी क्या देन थी? हम दो लोग खड़े हैं, अभी विवाद कर ले तो दंगा थोड़ी नहीं हो गया, गुंडा राज हो जाता था सुने। गुंडा राज हो गया ये किसके, इसमें नहीं गुंडा राज है। कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, टेनी ने मार दिया किसानों को, चला दिया गाड़ी ऊपर, क्या कर रहे हैं? बिग बॉस खुलेआम बता रहे हैं कि हमने जो है, इनके भी एक आध नेता लड़ रहे हैं जेल से। हाँ सपा के, हाँ खबू तिवारी जी, कौन खबू तिवारी, पता तिवारी, खबू तिवारी जेल से लड़ रहे हैं। दो तीन नेता लड़ रहे हैं जेल से, किसके? तो सपा के, सपा के, सपा तो फर्जी फसाया गया है, फसाया गया है। आदम खा बकरी चोरी करी है भैया, आए आदम खा बकरी चोरी करी है, जनता नहीं समझ रही है। ऊपर कार्रवाई भी सही हुआ, अतिक के ऊपर वही से माफिया रहे, लेकिन वो थोड़ी बकरी चोरी नहीं किए थे, मतलब चोरी करेगा इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा नेता। चलिए ठीक, इतनी बड़ी दुकान सैलून की है, क्या अगला सूरज चुराएगा? पूरी दुकान चोरी करेगा या सूरज चुराएगा? चलिए ठीक है, तो कुल मिला के भाई दाढ़ी बनवा ले। हाँ और सुनिए, हमारे यहाँ के सबसे VIP जो है नौसाद भाई हैं, इनकी दाढ़ी नंबर एक की बनाते हैं, बाल भी नंबर एक कराते हैं, नंबर एक की सफाई है। हाँ और नंबर एक के सफाई है, ठीक है। तो सफाई लोग बढ़िया दाढ़ी बना, चलिए बना दीजिए भाई दाढ़ी बना दीजिए। चलिए इसको समाप्त करते हैं, सपा वाले यहाँ पर अपना जोर दिखा रहे हैं। और सपा हम कोई पदाधिकारी ना है भैया, हम अंगूठा मांग के लिए ना बहन। अच्छा नहीं, मतलब सपा के सपोर्टर तो हैं, हाँ हम उसके नीतियों के सपोर्टर हैं। चलिए चलिए ठीक है, तो यहाँ तो भाई तीसरा दिन हो गया मुझे, पदाधिकारी भी है। अच्छा अच्छा, अयोध्या में तीसरा दिन है और तीसरे दिन जाके मुझे सपा थोड़ी सुनाई दी है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, और 10 मार्च को पता चलेगा कि इस अयोध्या की सीट पर बाबा जी आ रहे हैं या अखिलेश जी का साइकिल चल रहा है। देखते रहिए वी नेशन न्यूज, मैं दाढ़ी बनवा लूं। हर्ष श्रीवास्तव कैमरा खड़ा है खुद ब खुद, देखते रहिए वी नेशन।